BDSPL ये एक ट्रेस अक्षय की फिल्म सुहाग से हो गई थी पॉपुलर, अब फिल्मी दुनिया से हैं दूर। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नगमा आज 45 वर्ष की हो गई। 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में जन्मी नंदिता मोरारजी उर्फ नगमा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1990 में प्रदर्शित फिल्म बागी से की। इस फिल्म में नगमा के साथ सलमान खान थे। फिल्म हालांकि टिकट खिड़की पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन फिल्म का गीत संगीत अवश्य पसंद किया गया। वर्ष 1992 में नगमा को फिरोज खान के बैनर तले बनी फिल्म यलगार में संजय दत्त के अपोजिट काम करने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म भी टिकट खिड़की पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी। वर्ष 1994 में प्रदर्शित फिल्म सुहाग नगमा के करियर के लिए पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ काफी पसंद की गई। इन सब के बीच नगमा ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और पंजाबी भाषा की फिल्मों में काम किया है। नगमा 2007 के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर समाज सेवा के लिए राजनीति में सक्रिय हो गई थी। नगमा एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में कमबैक करना चाहती हैं।